जी अलैक् नाज़रीन होप यू आल विल बी फाइन आज जो हमारा एक टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग और कामन इन द सोसाइटी दैट इज़ अ नी पेन जो घुटने की दर्द है हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आम है अगेन uh, मैं वही कहूँगा कि इट इज़ मिस डायग्नोज विद दी अदर डॉक्टर्स के ये मिस डाइग्नोज हो रही होती है हर वो दर्द जो घुटने में है वो ओस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती है सबसे पहले मैं आपको काज इसकी लिस्ट इनलिस्ट करूँगा किस किस वजह से घुटने में दर्द जो है वो आ सकती है उसके लिए हमारे पास एज अ मॉडल हमारे पास हैं जी उसामा अहमद द ऑनर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल तो आज हम इन पर डेमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि नी पेन क्यों होती है और इसकी क्या वजूहत होती है तो ये हमारे पास नी है जी राइट नी है जो ऊपर वाले जो मसल्स हैं हमारे ये जो मसल्स हैं इनको हम कहते हैं क्वाड्स क्वाड्स क्वाड्रिसेप्स हैं और इसकी बैक पे जो मसल्स होते हैं हमारे सारे इनको कहते हैं हैमस्ट्रिंग्स अब नी में जो पेन है एक तो लेव काफ आ, एक्टिविटी से हो सकती है मसल स्टिफनेस से हो सकती है कोई डायरेक्ट ट्रामा है डायरेक्ट इंजरी है डायरेक्ट चोट लगी है उससे भी हो सकती है लेकिन आ, अगर कोई चोट से एक्सीडेंटल नहीं है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली उसके चांसेस हैं कि वो मसल्स की वजह से ऊपर वाले जो क्वाड्स हैं क्वाड आइजोमिट्रिक क्वाड क्वाड्रिसेप्स कौर, जो मसल्स हैं ये मसल्स आके इस नी जॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं इसके ऊपर ये नी कैप है और नीचे जो ना और है ना टिबिया और फेब्यूला है टिबिया और फेब्यूला है ये जो है ना यहाँ पे हमारी फीमर है तो इसके ऊपर ये जो क्वाड्रिसेप्स हैं ये यहाँ पे आके लगते हैं अगर क्वाड्स के अंदर इन क्वाड्रिसेप्स मसल्स में कोई स्टिफनेस है इसमें बास का ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं अगर इनमें कोई ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनकी पेन भी रेडिएट कर सकती है हाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर हिप ओस्टोआरफ्राइटस है अगर हिप की इंट्रा इंट्राटिकल पैथोलॉजी है तो हिप की पेन भी एंटीरियर ऑफ द थाई टू द नी रेडिएट करती है आ सकती है लेकिन वो एवेलुएट कर इवेल्यूएट करना होता है कि वो किस वजह से आ रही है ओके तो हैमस्ट्रिंग में अगर हमारा ट्रिगर पॉइंट है उसकी वजह से भी आ सकती है और नीचे जो हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं सॉरी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं उनकी वजह से भी बास का जो बैक ऑफ द थाए के मसल्स हैं वो हैमस्ट्रिंग्स हैं उनमें वीकनेस या उनमें ट्रिगर पॉइंट या उनमें स्टिफनेस से भी पेन हमारी रेडिएट कर सकती है जो कि नी में आती है और इसके अलावा इस नी की बैक साइड पे एक बरसा होता है बरसा जो एक कुशन का काम करता है बरसा तो उसकी इन्फ्लेमेशन बरसाइटस की वजह से भी नी में पेन आ सकती है अगर इनकी वजह से हो तो हम डायरेक्ट उस मसल्स को मैनुअल मसल टेस्टिंग से मैनुअल मसल टेस्टिंग से हम उसको देख के डायरेक्ट उस मसल्स को ट्रीट करते हैं मुख्तलिफ मोडलिटीज़ से स्ट्रेचिंग से सेक्सरसाइज से अगर वो हैंग में कोई मसला है तो उनमें भी हम मैनुअल मसल टेस्टिंग से देखते हैं कि किस मसल की वजह से है तो हम डायरेक्ट उसको ट्रीट करते हैं अगर अब जो मोस्टली जो नी पेन को सब लोग कहते हैं कि योस्टो आर्थाइटस है अब आते हैं कि ओस्टो क्या है ओस्टो एक ऐसी डजीज़ है कि जो डी जेनेटिव होते हैं वो एज फैक्टर भी उसमें आता है और डी चेंजेस भी आते हैं तो डी हैं डी चेंजेस से भी जो है इसमें पेन आ सकती है उसमें एक्सरे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कर रोल प्ले करता है जिसमें हम देखते हैं कि जो इंट्रा आर्टिकुलर जो इस जॉइंट के अंदर की स्पेसेस हैं क्या वो इंटैक्ट हैं वो नॉर्मल हैं इनकी जो मिनिस्काय uh, जॉइंट की जो मिनिस मिनिस्नीस्कय हैं क्या वो इंटैक्ट हैं या इसके अंदर जो टेंडेंस uh, होते हैं इंटीरियर क्रूशियड लिगामेंट क्या वो सही है पोस्टीरियर क्रूशियड लिगामेंट क्या वो सही है अगर ओस्टोरफाइटस है तो याद रखिएगा कि ओस्टोरासाइटिस ऐसे ऐसी चीज़ होती है जो वक़्त के साथ साथ प्रोग्रेस करती है बढ़ती चली जाती है हम उसे कभी भी ठीक नहीं कर सकते उसे सौ फीसद रिकवर नहीं कर सकते हम उसे मेनटेन कर सकते हैं चाहे वो फिजियोथेरेपी हो या मेडिकेशनस हो हम उसका दर्द मैनेज कर सकते हैं उसको प्रोग्रेस होने से रोक सकते हैं हम उसे सौ फीसद ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये वक़्त के साथ साथ फिर बढ़ती चली जाती है तो हम इसमें क्या करते हैं जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर द ओस्टोरथस हम क्या करते हैं कि इनके जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं इनकी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं जब इनकी स्ट्रेंथनिंग कराते हैं तो ये स्ट्रेंथन होकर अपनी स्पेसिस को मेनटेन कर लेते हैं जॉइंट की जो स्पेस है वो मेंटेन हो जाती है जॉइंट की स्पेस मेंटेन होगी तो पेन ठीक हो जाता है उसके अंदर जो स्वेलिंग है या उसके अंदर डिब्राइटमेंट है तो उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं विद दी मोडेलिटीज़ अल्ट्रासाउंड होता है इन्फ्राडेड होती है टेंस वगैरह लगा के और इसकी एक्सरसाइजेस करवाते हैं अब तीन इसकी एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सबसे पहले तो ये है कि हम इसकी आइजोमीट्रिक एक्सरसाइज करवाते हैं आइजोमीट्रिक एक्सरसाइजेज़ फ़ॉर दी क्वाडरी सेप्स एक्सरसाइज फॉर दी हैमस्ट्रिंग्स ये हमारी इसकी एक्सरसाइजेज़ होती हैं और इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ हम करवाते हैं स्टेयरिंग आप अवॉइड करवाते हैं कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पाँव के बल नहीं बैठना ज़्यादा देर खड़े नहीं होना तो इससे हम इससे रिकवर कर सकते हैं और ऐसी भी कंडीशन आती है कि हम इसके अंदर अगर ग्रेड थ्री का है तो इसमें हम इंट्राडिको इंजेक्शन भी लगा देते हैं उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं थैंक यू वेरी मच